हरे कृष्णा डियर फ्रेंड, होस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगा कि आज मैंने एक श्लोक पढ़ा भागवत गीता में, सो मुझे लगा कि आप लोग को भी के साथ ये जो श्लोक है शेयर करना चाहिए। तो चलते हैं आप लोग को उस श्लोक के बारे में बताने। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसलिए पढ़ के, मुझे लगा कि हाँ आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं और परेशान होते हैं, उनको उस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाता है। चलते हैं, मैं आंसर देती हूँ इस चीज़ का। हमारे हर भागवत गीता में हर चीज़ का भगवान श्री कृष्ण ने आंसर दे रखा है। जो हम फूलिश पीपल हैं, जो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं, बहुत सारे मूर्ख ऐसे व्यक्ति हैं जो आंसर के पीछे भागते रहते दिन रात एक करके, बट वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का ऑल सोल्यूशन, ये है श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज बाय शिला प्रभुपाद जी, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिन्होंने इस भागवत गीता को अच्छे से उल्लेख किया है। भागवत गीता आप जानते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान अपने मुख से बोले हैं, जो अर्जुन को बताया है उन्होंने हर एक एक श्लोक के बारे में। तो ऐसा ही आज मैंने एक श्लोक पढ़ा है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ओरिजिनल है भागवत गीता, आप यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी ओरिजिनल ही पढ़ने को, क्योंकि ओरिजिनल में कोई भी एडिशन नहीं है। आजकल भागवत गीता बहुत मिलते हैं मार्केट में, बट वो एडिटेड होते हैं, उसमें कुछ श्लोक होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो रेक्टिफाई कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। और इस भागवत गीता में एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही है जैसे कृष्णा अर्जुन को हर एक श्लोक के बारे में बताया है, वैसे हमारे गुरु महाराज ने इस हर श्लोक को एक बहुत अच्छे से वाक्य में उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए बताते हैं, हमारा ये है चैप्टर 6 सांख्य योगा और श्लोक नंबर 35 टेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे श्री भगवान वाचुक स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अश्चयम महावायो मनो दुर्गिरम जलम अभ्यासन तेंतु कौन्तेय वैराग्य चुग्रहतम। तो भगवान यहाँ पे उन्होंने इस श्लोक का बोला है, इस श्लोक का, ये तो संस्कृत में है, हमें समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दिया है, पूरा इंग्लिश, हर एक चीज इंग्लिश दिया है, बट मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफरेंस कर, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन है को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। तो हमारा कहने का, कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से, पहले मैं आपको पर्पट पढ़ के इंग्लिश में ही बता देती हूँ। द पर्पट है, द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द सेंस माइंड एज द एक्सपीरियंस बाय द अर्जुन इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट एट द सेम टाइम ही सजेस्ट दैट बाय द प्रैक्टिस एंड डिटेचमेंट इट इज अ पॉसिबल। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, डिफिकल्ट तो है माइंड को कंट्रोल करने में, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, हम एक चंचल माइंड को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं बहुत इजीली से, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछता है, व्हाट इज द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस क्या है। तो भगवान कहते हैं, इन दिस प्रेजेंट एज नो वन कैन बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। भगवान कहते हैं कि इस वर्ल्ड में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। अगर रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो करता है वो अपने माइंड को अपने वश में कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको पता है कि उसको ये चीज़ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मीन्स इस चीज़ से उसको उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसको स्टमक को। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, एक हमारे पास खाने की चीज़ है जिसमें बहुत सारी लाल मिर्ची है, हमारा मन कर रहा है कि हमें उसे खाने ही है, बट पता है वो हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बोल रहा है वो खाने के लिए, मेरा माइंड लालच रहा है उस चीज़ को खाने के लिए। तो वहीं पर क्या करना है, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, हम किसी मार्केट में गए, एक एग्जाम्पल एक लेडीज ही समझ लो, गए ज्वेलरी शॉप में, गए बहुत सारे ज्वेलरी है, देख के हमारा मन नलालित हो रहा कि वो खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, बट वहीं पे हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है।
और ये कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस से, बाय योगा से, ऐसे इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस और ये कैसे? स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज प्लेसिंग ऑन सेल्फ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ फोकसिंग द माइंड ऑन द सुपर सोल स्ट्रेटनिंग एंड द सनसेंस एंड माइंड ऑफ सेक्सिंग सेलिब्रेंसी रिमेनिंग अलोन एक्सेट्रा बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा कृष्णा कॉन्शियस हाउ वेयर वन कैन इंगेज इन 9 टाइप ऑफ द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द सच अ डिवोशनल एंगेजमेंट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा। दिस इज द वेरी पावरफुल ट्रांसेंडेंटल मेथड ऑफ द प्रूविंग द माइंड ऑफ द ऑल विस्पेम द मोर एंड हियर अबाउट द कृष्णा। वन हैज द बिकम डिलीवर्ड एंड द डिटेचमेंट फ्रॉम द एवरीथिंग फ्रॉम द माइंड अवे फ्रॉम द कृष्णा बाय डिटेचिंग द माइंड फ्रॉम द एक्टिविटीज नॉन ऑफ डिवोटी। The first and the foremost of the such a devotional engagement, hearing about the Krishna. This is a very powerful transcendental method of the mind of the motivated. And the more one the hearing about the Krishna, more one become element and the detachment from the everything, drawn the mind away from the Krishna. By detaching the mind from the activities not devoted to the Lord, one can very easily lead. It means detachment from the matter and engagement of the mind spirit. Impersonal spirit detachment is more difficult to attaching the mind to the activities of the Krishna. This is a practice because of hearing about Krishna. One becomes automatically attached to the Supreme Spirit. The attachment is called prajnanusabhuti, spiritual satisfaction. It is just like the feeling of the satisfaction hungry man has for the every moment's morsel for the food. Is similarly by the discharging of the devotional service, one can the feel transcendental satisfaction as the mind become detachment from the material of sin. It is something like caring, disease, expert treatment, and the diet. Hearing of the transcendental activities of the Lord Krishna, therefore, the expert treatment of the mind and eating the food stuff offering to the Krishna is appropriate diet for the suffering, pacing and the treatment is the process of the Krishna consciousness. तो यहाँ पे हमने आपको पर्पट पढ़ा है, अब मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो अर्जुन द्वारा व्यक्त किए इस हटीले मन को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? कठिनाइयाँ तो हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान इसको स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि ऐसे हठीले मन को हम अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिसिंग से हम इस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा माइंड है, इंद्रियां है, उसको ये इधर से उधर हर एक डोर पे जा के नॉक करती है, जिससे हमको प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है? इन फेस हम बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं जिस चीज़ों से हमको निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये किस कारण होता है? सिर्फ हमारे इस माइंड से, जो हमारा माइंड डिटेच हो जाता है किससे? भगवान से, कृष्णा से। अगर हम कृष्णा से अटैचमेंट अपना बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हर एक बुरी से बुरी आदतें डिसअप्रियंस हो जाती हैं, वो दिखती नहीं है, इनवैलिड। जो अगर हम भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं अपना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम अपने माइंड को कंट्रोल लेते आते हैं। हम कृष्णा के बारे में सुनेंगे, जैसे हम भागवत गीता सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी सुनाने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो हमें ऐसे क्या, हमारे माइंड को बहुत शांति मिल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा माइंड सम टाइम के लिए हमारा मन कंट्रोल में आ रहा है ना कंट्रोल। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे, आपको खुद लगेगा, खुद आप बहुत डिफरेंट फील करेंगे जब एक आप श्लोक अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं समझ में आता, आप दो बारी पढ़िए श्लोक को, तीन बारी पढ़िए, लेकिन जब खुद में पढ़ेंगे तो खुद लगेगा वाह कितना अच्छा चीज़ है ये, कितना अच्छा श्लोक है, और मुझे पढ़ते ही मेरे माइंड, दिमाग, हर एक चीज़ डिफरेंट, यू हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि माइंड तो बहुत शक्तिशाली है, बट उसको वश में करना उतना भी वो नहीं है कि आप नहीं उसको वश में कर सकते।
ये कैसे, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस के थ्रू ही हम इस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्णा में आके, कृष्णा के साथ जुड़ के, कृष्णा की बातें सुन के, कृष्णा की कथा सुन के, कृष्णा के डिवोशनल सर्विस करके, कृष्णा के सारे कार्य करके, कृष्णा को सेंटर में रख के हम आप इस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्णा के बारे में हम जितना सफर करेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही मनुष्य उस वस्तु के प्रति अनासक्त होता जाता है। जो मन कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती है, मन उन सारे कार्यों को विरक्त करके लेने में, जिससे कृष्ण को कोई भी संबंध नहीं है, मनुष्य सुमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्तित और मन का आत्मा से प्रवृत्त होना। यह व्यवहारिक है कि क्योंकि कृष्ण के विषय में स्मरण करने से मनुष्य स्वतः परंपरा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही जिस तरह से भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे की शांति होती है, उसलिए भूख लगने पे मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही उसे अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं में इधर उधर लगा रहता है। हमें पता नहीं कि हमारा मन कब कंट्रोल होगा कब नहीं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है अगर हम भगवान से अपना कनेक्शन एक जोड़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उपचार बताया है कि इस कृष्णा से जुड़ने से हर एक रोगों का इलाज है, हर एक रोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो कृष्णा दैया ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया है कि हम अपने चंचल मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाय ईटिंग प्रसादम, हम कुछ भी कृष्णा को ऑफर करें, कुछ भी ऑफर करें, ए टू जेड, हमें क्या करना है, वो कृष्णा को ले जाके ऑफर करना है और फिर वो हम खा सकते हैं। एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, नथिंग एल्स टू, हम अपने लिए कुछ नहीं रख सकते हैं, सब कुछ कृष्णा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा को हम सेंटर में रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा प्रॉब्लम ना इतना है ना इतना हो जाएगा, और कभी कभी तो इतना हो जाएगा जीरो, बिल्कुल सेम लेवल, और हम यूं अपने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं ऑटोमेटिक। सो वाई ईजी बाई दिस इज अ मैजिक बुक एंड दिस बुक कैन बी चेंज योर लाइफ। आई कैन चैलेंज यू वन डे यू कैन बी रियलाइज येस दिस बुक्स, दिस इज नॉट बुक्स, दिस इज द मैसेज ऑफ द कृष्णा एंड दिस बुक्स कैन चेंज योर लाइफ ऑटोमेटिकली। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सबसे मेरा निवेदन, एक बार लाइफ में हर काम जैसे करते हो वैसे एक बार लाइफ में आप इस श्रीमद् भागवत को एज इट और ओरिजिनल एडिशन को, आप इस ओरिजिनल एडिशन को पढ़ के तो देखिए और आपकी लाइफ यू चेंज होगी। कृष्णा से यू कनेक्शन जुड़ेगा, जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है, जो देवों के देव हैं, सारे देव इनकी आराधना करते हैं कृष्णा की, और जो मेरे शीला प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में बताया, हम लोग किस कितनी हेल्प किए हैं, बट हम मूर्ख पीपल, रास्कल हम लोग हैं एक्चुअली, जो हम इस बुक्स का, इस मैसेज का हम लोग अपनी लाइफ में उपयोग नहीं कर रहे। अगर उपयोग करते तो हम इतने परेशान नहीं होते। सो आप लोग से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस बुक्स को पढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। मैंने बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस